दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जेन ब्रॉन्स्की का केस जीत जाती है और जब वो घर लौट रही होती है तो कुछ गुंडे उस पर हमला कर देते हैं, पर वो शी हल्क का मुकाबला नहीं कर पाते और वहाँ से भाग जाते हैं। अब हम देखेंगे एपिसोड 4। एपिसोड की शुरुआत होती है और एक मैजिशियन जो कि एक हॉल में जादू दिखा रहा है, वो तरह तरह के करतब दिखाता है, पर वहाँ कई लोग बोर होने लगते हैं। अब वो मैजिशियन एक लेडी को स्टेज पर बुलाता है और वो एक रिंग पहनता है जैसा कि डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग पहनते हैं, और वो सच में एक पोर्टल खोलकर उस लड़की को कहीं और भेज देता है। सभी को लगता है कि ये सिर्फ एक ट्रिक है और सभी बहुत खुश होते हैं, सभी को बहुत मजा आने लगता है। तभी हमें काठमांडू नेपाल में वोंग को दिखाया जाता है जो अपने घर पर है। तभी वो लेडी वहाँ आकर गिरती है। वोंग उससे पूछता है कि वो कहाँ से आई है और क्या किसी चोरी जादूगर ने उसे यहाँ भेजा है। वो लेडी बताती है कि एक जादूगर ने उसे कहीं और भेजा था जहाँ एक बोलने वाली बकरी थी। उस बकरी ने मुझसे 6 खून की बूंदे ली और मुझे लावे के खून से बचाया, और जब मुझे होश आया तो मैं यहाँ पहुँच गई। अब वोंग उससे उसके घर का पता पूछता है ताकि वो लेडी को वापस उसके घर भेज सके, पर वो कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। अब वोंग कहता है कि उसे डॉनी ब्लेज को सबक सिखाना ही होगा। दरअसल डॉनी ब्लेज उस जादूगर का नाम है जिसने उस लेडी को यहाँ भेजा था। अब हमें जैन का घर दिखाया जाता है। वहाँ उसके फादर के लिए बहुत सारे सामान लेकर आते हैं और कहते हैं कि ये सब उसकी सेफ्टी के लिए है, क्योंकि उन्हें फिक्र है कि कोई गुंडा फिर से उस पर हमला न कर दे। जैन के फादर उसे पुलिस में कंप्लेन करने को कहते हैं, पर वो मना कर देती है। जैन कहती है कि वो एक हल्क है और उसे इसकी जरूरत नहीं। जैन अपने ऑफिस पहुंचती है जहां उसकी फ्रेंड निकी जैन का एक इंटरव्यू दिखाती है। तभी वहां वोंग आ जाता है और कहता है कि उसे उसकी हेल्प चाहिए। वोंग कहता है कि डोनी ब्लेज कमर ताज में जादू सीखने आया था और एक हफ्ते बाद ही अपने जैसे किसी दूसरे जादूगर को भी वहां बुला लिया था, वो भी बियर के साथ, और इसलिए उसे कमर ताज से निकाल दिया गया था और वो अब लॉस एंजल्स में लोगों को जादू दिखाता है। वोंग कहता है कि वो लोगों के मजे के लिए हमारी पवित्र तकनीक यूज कर रहा है और इसलिए वोंग उस पर केस दर्ज करवाना चाहता है। वोंग आगे कहता है कि उसे इंटर डायमेंशन पोर्टलिंग का ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, फिर भी वो लोगों को अलग अलग डायमेंशन में भेज रहा है और ऐसे में कई प्रॉब्लम सामने आ सकती हैं। अब जेन वोंग से पूछती है क्या डोनी ब्लेज ने नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट या ट्रेनिंग शुरू करने के पहले कोई एग्रीमेंट साइन किया था। वोंग कहता है नहीं, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट कमर ताज में नहीं होता है, वहाँ विद्यार्थी महासेवादार बनने की केवल सौगंध दिखाते हैं। जैन पूछती है कि क्या ये सौगंध रिटर्न में है। वोंग बोलता है नहीं, रिटर्न में तो नहीं है। जैन कहती है कि यहाँ अमेरिकन कानून चलता है और हमारे पास लिखित में कुछ प्रूफ होना चाहिए। वोंग उसे अपने कमर ताज के विशांति ग्रंथ के बारे में बताता है, पर जैन कहती है कि यहाँ केवल कानून का ग्रंथ चलता है। अब जैन वोंग से उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल लेती है और वोंग वहाँ से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि जैन और उसकी फ्रेंड निकी एक बार में बैठी है। जैन वहाँ निकी को दिखाती है कि उसने वोंग का लीगल नोटिस तैयार कर लिया है और ब्रॉन्स्की के पैरोल की फाइल भी तैयार कर ली है। तभी एक आदमी वहाँ आता है और उन्हें ड्रिंक ऑफर करता है, पर वो दोनों मना कर देती है। अब निकी जैन का फोन लेती है और उसकी एक डेटिंग प्रोफाइल बनाती है। अब वोंग और जैन डॉनी ब्लेज के ऑफिस आते हैं और उसे लीगल नोटिस देते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। अब जैन न्यूयॉर्क के एक लड़के से बात कर रही है। दरअसल ये दोनों मैचिंग ऐप के जरिए में जैन अपने लिए एक लड़का ढूंढ रही है जिसे वह डेट कर सके। जैन उस लड़के को बताती है कि वह शी हल्क है और अब वो अपनी स्ट्रेंथ बताने लगती है, पर उस लड़के का ध्यान कहीं और होता है और वो जैन की बातें नहीं सुनता। अब हमें कोर्टरूम दिखाया जाता है जहां जैन दलील रखती है कि मिस्टर डॉनी ब्लेज अपने शो में कुछ ऐसी ट्रिक दिखाते हैं जो जानलेवा है, पर जज उसकी बातों में विश्वास नहीं करती और कहती है कि उसे नहीं लगता कि ऐसी ट्रिक जानलेवा हो सकती है और अगर इसका कोई गवाह है तो वह उसे बुलाए। अब जैन के कहने पर वोंग पोर्टल खोलकर उसी लड़की को कोर्ट में बुला लेता है जिसे एपिसोड की शुरुआत में डॉनी ब्लेज ने कहीं भेज दिया था। इस लड़की का नाम मेडिसिन कैंग है। जैन उससे उस घटना के बारे में पूछती है जब डॉनी ब्लेज ने उसे किसी और डायमेंशन में भेज दिया था। मेडिसिन पूरी बात बताती है पर जज पर उसकी बातों का ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। जैन उसे पूछती है कि वह दूसरे डायमेंशन से बाहर कैसे आई। तब वह बोलती है कि एक शैतान से सौदा करके वह बचकर आ पाई है, उस शैतान का नाम जेक है। अब डोनी का वकील जज से कहता है कि केस डिसमिस किया जाना चाहिए क्योंकि वो केवल मनोरंजन के लिए शो दिखाता है जिसमें दर्शक थोड़ा डरते हैं और थोड़ा एंजॉय भी करते हैं, और जादू पर किसी का कॉपीराइट नहीं होता। इस पर जैन कहती है कि यह कोई आम जादू नहीं है बल्कि मायावी कलाओं का असली जादू है। तभी डोनी वहाँ जादू की कुछ ट्रिक दिखाता है और वोंग कहता है कि
कि ये लोग देवताओं की ताकत पाना चाहते हैं, और अगर कोई आम इंसान ऐसा करता है तो कई डायमेंशन के लोगों की जान को खतरा हो सकता है। जैन जज से मांग करती है कि फैसला होने तक वे डोनी के शो पर रोक लगा दे। इस पर डोनी कहता है कि यह उसका पैशन है और कमाने का जरिया भी। अब जज शो पर रोक लगाने से मना कर देती है और कहती है कि वो शो दिखा सकता है, और आज की सुनवाई यहीं पर खत्म हो जाती है। अब रात होती है और जैन अपने घर पे है। वह निक्की को कॉल करती है और केस के बारे में बात करती है। अब वो अपना फोन चेक करती है जहाँ उसे कोई भी मैच नहीं मिलता, इसलिए वो शी हल के नाम से एक प्रोफाइल बनाती है, जैसा कि निक्की ने उसे सजेस्ट किया था कि उसे शी हल के नाम से अपनी मैचिंग प्रोफाइल बनानी चाहिए। और उसके कुछ देर बाद ही उसे बहुत सारे मैचेस मिलने लग जाते हैं। अब वो शी हल के रूप में कई लड़कों से मिलती है जिससे उसकी प्रोफाइल मैच हुई थी। वहीं दूसरी ओर डोनी ब्लेज का शो चल रहा होता है। वह फिर से एक पोर्टल खोलता है और एक लड़की जो कि स्टेज पर ही है उसे उसमें जाने को बोलता है, पर वो मना कर देती है और सारी ऑडियंस डोनी के ऊपर हंसने लगती है। पर फिर वह एक नई ट्रिक दिखाता है। वह जादू से कबूतर लाता है और वो कबूतर उस लड़की के हाथ में एक रियल अंडा देता है जिसमें से छोटा सा चमगादड़ जैसा मॉन्स्टर निकलता है। सभी डर जाते हैं, पर डोनी एक नया पोर्टल खोलकर उस मॉन्स्टर को उसमें फेंक देता है और सबसे कहता है कि यह सिर्फ एक जादू की ट्रिक है। पर तभी ऐसे बहुत सारे चमगादड़ मॉन्स्टर उसी पोर्टल से बाहर आ जाते हैं और लोगों पर हमला करने लगते हैं। डोनी घबरा जाता है और वो तुरंत पोर्टल खोलकर वोंग के पास जाता है और उससे हेल्प मांगता है। वोंग पोर्टल के अंदर जाता है और डोनी से शी हल्क को बुलाने के लिए कहता है। शी हल्क यहाँ एक लड़की के साथ है। तभी उसे वोंग का बार बार कॉल आता है, पर वो उसे रिसीव नहीं करती। अब वोंग खुद वहाँ आ जाता है और उसे साथ चलने को बोलता है, और वोंग जेंग को लेकर आ जाता है। उस पोर्टल से हजारों की संख्या में मॉन्स्टर आ रहे होते हैं, इसलिए उन्हें रोकने के लिए वोंग वो पोर्टल बंद कर देता है और एक नया पोर्टल खोल देता है। शी हल्क और वोंग दोनों मॉन्स्टर को उसमें भेजने लगते हैं। जैन जैसे ही उस मॉन्स्टर को मारती है वे और ज्यादा बड़े होने लगते हैं और उनका साइज और बढ़ने लगता है, और वे दोनों सारे मॉन्स्टर को वापस भेज देते हैं। और इसके बाद जैन वापस उस लड़के के पास जाती है और उसे उठाकर रूम में ले जाती है, और जहाँ दोनों गपागप करते हैं। सुबह होती है और जैन न्यूज देख रही होती है जिसमें बताया जाता है कि टाइटेनिया पे लगे सारे इल्जाम हटा दिए गए हैं। तभी वो लड़का रूम में आ जाता है और जैन से पूछता है कि वो कौन है। वो जैन को नहीं पहचान पाता क्योंकि उसने उसे शी हल्क के रूप में देखा था। अब उसे बताती है कि वही शी हल्क है पर जेनिफर वॉल्टर के रूप में। अब वो लड़का वहाँ से अपने घर चला जाता है। तभी दरवाजे पर नॉक की आवाज आती है। जैन दरवाजा खोलती है जहाँ एक आदमी उसे एक नोटिस देता है जिसे टाइटेनिया की कंपनी के द्वारा भेजा गया है, जिसमें टाइटेनिया ने उसके ट्रेडमार्क का यूज करने का केस किया है। टाइटेनिया ने शी हल्क नाम का ट्रेडमार्क अपने नाम पर रजिस्टर करवा लिया है और उसका कहना है कि जैन ने उसका नाम यूज किया है, इसलिए ये नोटिस जैन को भेजा गया है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, ये कौन सी नई मुसीबत जैन के पीछे आ गई है? जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। और हाँ, अगर आपने पहले के 3 एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।